दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी इस मामले में जहां बीआरएस नेता के कविता से पूछताछ कर रही है, वहीं शुक्रवार को उसने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर 7 दिन के लिए रिमांड पर ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र है। ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल का नाम 2 जगह है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी पूछताछ करेगी। केजरीवाल से ईडी की पूछताछ को लेकर सवाल उठने की कई वजहें हैं। पहली वजह तो यह है कि एक अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शराब घोटाले की ड्राफ्ट कॉपी केजरीवाल के घर पर सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में दिखाई गई थी। दूसरी वजह यह है कि एक आरोपी से फेसटाइम पर बात करते हुए दावा किया है कि केजरीवाल ने विजय नायर का नाम लेकर कहा था कि वह मेरा आदमी है, इससे बात करो। तीसरी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल के पीए से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने बहस के दौरान रेस्तरा मालिक दिनेश अरोरा का नाम रिश्वत को ऑर्डिनेट करने वाले के तौर पर लिखा है। ईडी ने कहा कि 2020 में दिनेश अरोरा को संजय सिंह का फोन आया था कि चुनाव आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी को फंडिंग की जरूरत है। जांच एजेंसी के मुताबिक विजय नायर को सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप का करीबी बताया जा रहा है। विजय नायर सीएम केजरीवाल और तत्कालीन डिप्टी सीएम सिसोदिया के प्रतिनिधि के तौर पर कविता से मिला था। बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब जिस नेता की गिरफ्तारी के कयास सबसे ज्यादा लगाए जा रहे हैं वो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता। ये प्रवर्तन निदेशालय के सामने 11 मार्च को पेशी होगी, यानी आज पेशी होगी। वहीं कल बुधवार शाम दिल्ली पहुंची तेलंगाना के सीएम की बेटी कविता ने खुद को बुलाए जाने पर कहा कि ईडी घर पर आकर भी पूछताछ कर सकती है। हमने यह निवेदन किया था लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य कविता ने यह सवाल भी दागा कि आखिर जांच एजेंसी ईडी को इतनी जल्दी क्यों है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी वजह से यह कार्रवाई की जा रही है। कविता ने बुधवार देर रात ट्वीट कर बताया, मैंने 11 मार्च को नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित रहूंगी। जांच अधिकारियों ने बताया कि भारत राष्ट्र समिति की नेता कविता को पहले 9 मार्च को दिल्ली में संघीय जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया था। उनका कहना है कि कविता को हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्लई के सामने बैठा कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।